ब्लैक सीड आता है, उसको इंग्लिश में ब्लैक सीड बोलते हो, वो अगर आप खा लेंगे ना तो वो हर एक बीमारी का इलाज है। सो मैं आगे आप लोगों को डिटेलली बोलूंगा। और हर रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ रहती है, ऐसी जड़ी बूटी रहती है, फिर सीड्स रहते हैं, एंड एनी थिंग देर विल बी जो आप लोगों को प्रिवेंट करती है कोई भी डिजीज से। गुड मॉर्निंग टू द बेस्ट पीपल हिज वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सो गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर, और बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज मेरे को बहुत सारे डीएम्स हैं बनाओ बल के, और जो है जो भी मेरे को डीएम करे हम रियली ग्रैंड जान आप लोगों को डीएम करके बोले थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आप लोगों की तरफ से वीडियो आज बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरा कंटेंट ब्लॉगिंग है, बट ये भी जरूरी है, अच्छी चीज़ हमेशा करनी चाहिए हमें। सो बताना चाहिए कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी होंगे ना, मालूम करने कैसा फाइंड आउट करें कि कोरोना वायरस किसको है किसको नहीं है और प्रिवेंट कैसा करें। सो अब बोलने वाला हूँ वीडियो में, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिए। हाँ, आप लोग कोरोना वायरस को भी प्रिवेंट कर सकते हो, कोरोना वायरस से भी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो भी प्रिवेंट हो जाएंगी सिर्फ मौत को छोड़ के। सो इसलिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस्लाम में जो है हमारे पास एक कलौंजी बोल के एक ब्लैक सीड आता है, उसको इंग्लिश में ब्लैक सीड बोलते हो, वो अगर आप खा लेंगे ना तो वो हर एक बीमारी का इलाज है। सो मैं आगे आप लोगों को डिटेलली बोलूंगा। और हर रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ रहती है, ऐसी जड़ी बूटी रहती है, फिर सीड्स रहते हैं, एंड एनी थिंग देर विल बी जो आप लोगों को प्रिवेंट करती है कोई भी डिजीज से। हर एक रिलीजन बुक में रहती है, हर एक रिलीजन में रहता है ये। सो मैं तो इस्लाम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को जो है इसको कलौंजी के बारे में बताया, मैं कलौंजी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि अगर मालूम कैसा करें कि कोरोना वायरस किसी को है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो बीमारी है ये आई हुई है चाइना से। चाइना में वो लोग क्या क्या खा लेते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर सब खा लेते हैं, तो वहाँ से डूड बीमारी आना तो ज़रूरी था एक ना एक टाइम पे। और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुकी है ये, इंडिया में 110 केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, केसेस यहाँ पे आ चुके हैं, कन्फर्म हो चुके हैं। 2 घंटे पहले की न्यूज़ बोल रहा हूँ मैं ये रहा। ये जो है ना गाइस, इसको आप लोग मालूम कैसा कर सकते हो कि आप लोगों को ये मालूम कैसा करिए कोरोना वायरस किसी को हो चुका है। सो गाइस इजी सिंपल स्टेप है, 10 से 12 या 13 सेकेंड सांस रोक के रखो। अगर आप लोग रोक लिए तो आपको कोरोना वायरस नहीं है। अगर आप लोग खांस से या फिर लंग्स में प्रॉब्लम हुई आपको, तो हो सकता है आपको कोरोना वायरस है। पक्का नहीं बोल सकते, बिकॉज पक्का वही बोलेंगे डॉक्टर, आप लोगों को डायग्नोस करना पड़ेगा, उसके बाद जो ही मालूम होगा कि आपको है नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर नॉर्मल आपको खांसी आ रही, बुखार में आ रही, और फीवर है आपको, हाई फीवर है और खांसी आ रही, और आपको बॉडी पेन हो रहे, बॉडी पेन नॉर्मली होते, तभी भी ये जो है सो कोरोना वायरस का सिम्टम है बोल के मत सोचिए। डायरेक्ट हॉस्पिटल जाइए, मालूम करिए, चेकअप करिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। ये बीमारी उतनी बड़ी है नहीं डूड, उसका एक्चुअली इसका एंटीडोट नहीं है, इसलिए जो है ये बहुत टू से डेंजरस है। और दूसरी चीज़, ये बहुत सारे डिजीजेस का एक फैमिली है, जो कोरोना वायरस जिसको बोलते हम लोग, एक एटम रहता है ना वैसे ही, जो है एक एटम टाइप में बहुत सारे इसके अंदर डिजीजेस है, वो पूरे मिलके बनता है एक कोरोना वायरस। दैट्स वाई दिस इज आई मीन टू से बहुत ज़्यादा डेंजर हो चुका है, बिकॉज देर इज नो एंटीडोट फॉर इट। और दूसरी चीज़ गाइस, सो गाइस जो भी अभी आप लोग बोलने वाला हूँ मैं, वो सारे जो है सो यूनिसेफ की तरफ से, यूनिसेफ जो है इसके ऊपर स्टडी करी, सारे वो रिजल्ट्स निकाले और सारे डिटेल्स दिए, वही आप लोगों को बोलने वाला हूँ मैं इसमें। तो कंटिन्यू सुन लिए इसमें आप लोग बीच में, स्किप मत कर दीजिए। सो यूनिसेफ वाले ये बोले कि जो इसका डायमीटर है ना, कोरोना वायरस का, वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, और वो जो है सो 400 से 500 डायमीटर का है, वो उसका साइज, जो डायमीटर है ना उसका 400 से 500 के बीच में। तो उसके लिए आप लोगों को जो रश नहीं करना है फार्मासिस्ट पे टू परचेस सर्जिकल मास्क। ये जो है आपके घर में जो कॉटन का कपड़ा रहेगा ना, वो भी आप लोग फेस पे रख लेंगे तो भी वो उसके अंदर नहीं जा सकेगा। अभी दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। आप यकीन कर लीजिए कि जो ये इसका जो लाइफ है कोरोना वायरस की, 10 से 12 घंटे है, जो भी आपके घर पे डोर्स रहते हैं, मेटल रहता, उसके ऊपर अगर ये जाके बैठ गया तो, लेकिन उसके बाद वो मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं, अगर इन केस वो आपके कपड़ों पे आ चुका, अगर वो आपके कपड़ों पे आ चुका है, तो वो 9 घंटे तक की इसकी लाइफ है आप लोग कपड़ों पे। अगर आप लोग उसको धूप में जब भी सुखा दोगे ना, तो ख़त्म, जब का जब 2 घंटे में मर जाएगा वो। 9 घंटे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और अगर वो बॉडी पे आ जाए, आपकी बॉडी या हैंड्स पे कहीं पे भी आ जाए, तो वो रहेगा 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट तक रहेगा वो, बिकॉज आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है ना, वो उसको मार देता है, लेकिन वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। 10 मिनट से पहले अगर आप यहाँ वहाँ कहीं भी जैसे हाथ लगा देंगे, अगर अंदर चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएंगी, लेकिन उसको भी
प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके भी रास्ते हैं, यूनिसेफ जो है वो बताए। सो अगर अगर आप लोग हैंड वॉश करना है जितना जल्दी हो सकता है आप वॉश करो, 20-25 सेकेंड्स वॉश करो अगर हाथों में आ गया, कपड़ों में आ गया तो कपड़ों को सुखा लो 2 घंटे तक धूप में। और तीसरी चीज़, अगर मुंह में चले गया गलती से आप लोगों के, तो आप लोगों को जो है सो गर्म पानी के 1-2 सिप लेना है हर 5-6 घंटे के अंदर, हर 5-6 घंटे के अंदर 2-3 सिप गर्म पानी के अंदर, खोलता हुआ नहीं, नॉर्मल पानी के। सो इससे क्या होता है, जो आपके मुंह में रहता है ना वो पेट में चल जाता है। पेट में जाने के बाद आप लोग जैसे ये बोलते हैं ना पेट में हर चीज़ गला देता है, पेट बहुत गर्म रहता है, तो वहाँ पर वो जाके गल जाती है चीज़, ये यूनिसेफ वाले बोले हैं। और दूसरी चीज़ हम फोर्थ पॉइंट जो है, सो गाइस फोर्थ पॉइंट ये है कि इसकी जो ज़्यादा टेम्परेचर में रहेगा नहीं, 26 से 27 डिग्री सेल्सियस में ये नहीं रह सकता है, ये मर जाएगा वहाँ पे। और समर आने वाला है, गर्मियाँ बढ़ेंगे, ये सीधा जो है सब बीमारी रफो चक्कर हो जाएंगी इंशाल्लाह यहाँ से, इंडिया से और कंप्लीट वर्ल्ड से। और जल्दी से जल्दी हो जाइए। और फिफ्थ चीज़ गाइस, जो टू से यंगस्टर्स और मेरे जैसे लोग के लिए मुश्किल है, यंगस्टर्स, सो कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स रहते ना, और जो ठंडा पानी रहता है, ठंडे जो भी चीज़ें रहते हैं प्लीज़ उसको अवॉइड करो, बिकॉज ये बीमारी फैलती है ठंडी चीज़ से। सो थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लो, और मैं भी अवॉइड करूँगा मैकडॉनल्ड्स फुल चलते रहता है अपने कहने, अपन भी 1-2-3 वीडियो से नहीं जा रहे, पे 1 हफ्ता हो गया समझो नहीं जा रहे मैकडॉनल्ड्स एंड KFC। सो वही आप लोग बेहतर चाय पीजिए जिसके अंदर आप लोग अदरक मिलाइए और पीजिए। अगर आप लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना, तो ये आपको छुएंगी भी नहीं बीमारियाँ, विंडो से जो फिट रहता है बंदा उसके लिए बीमारी आती नहीं है। अभी बात करते हैं हम लोग अगर किसी को आ गई तो प्रिवेंट कैसा करें। सो गाइस ब्लैक सीड जिसका नाम है कलौंजी, उर्दू में, हिंदी इंग्लिश में ब्लैक सीड बोलते हैं इसको, ये जो है ये प्रिवेंट करेंगे कोरोना वायरस को। और ये जो है सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और इस्लाम में जो है गाइस वो है 100% उसका आपको इलाज मिल जाएगा। और कोरोना वायरस से भी 10 गुना बीमारी नौजबिल्ला आ भी गई तो उसका भी इलाज रहेगा कलौंजी ब्लैक सीड, जिससे हर चीज़ प्रिवेंट हो जाएगी, हर बीमारी प्रिवेंट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ डेथ को छोड़ के मौत को छोड़ के। मौत ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं रोक सकते। सो गाइस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर आप लोग जो है सो KFC या वहाँ विजिट करते हो तो प्लीज़ अवॉइड करो उसको थोड़े टाइम तक, ये ख़त्म हो जाए तक। और वो ही गाइस इस्लाम में है कलौंजी, मेन में यही पॉइंट बोलना था कि कलौंजी इज द बेस्ट थिंग ब्लैक सीड, जो आप लोगों को प्रिवेंट करेंगी हर एक डिजीज से, नॉट ओनली दिस कोरोना वायरस। गाइस कलौंजी से जो आपका जो शुगर लेवल रहता है ना वो कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल खत्म घटता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम है तो इसमें वो हट जाएंगी। ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कलौंजी, आपका जो है माइंड में जो भी मेमोरी रहेंगी ना वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, उसे याद करने में कोई चीज़ ग्रास करने में आप लोगों को बहुत आसानी से हो जाएगी वो चीज़। और हाँ गाइस कलौंजी इस्तेमाल करने से आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो रहेगा ना वो भी कंट्रोल में रहेगा, सो बहुत बेहतरीन चीज़ है गाइस कलौंजी खाओ, दिस इज़ ए गुड थिंग। ब्लैक सीड जाओ जो इतना जल्दी होता है सुपर मार्केट जाओ जाके परचेस करो, मैं भी जाने वाला हूँ परचेस करने के लिए, बिकॉज माइंड शार्प रखो हमेशा। सो वो गाइज ये थे कुछ टिप्स, आई थिंक आप लोग को पहले से ही पता होगा, बट मेरे जो सब्सक्राइबर थे ना 50,000 सब्सक्राइबर्स, उसमें से एक भी जने को नहीं पता था, अगर वो मेरी तरफ से पता चल गई आई एम सो ग्लैड फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच गाइज जो भी मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए अप्रोच करे बोले, एंड आई एम ग्लैड दैट आप लोगों की जैसे आज ये वीडियो बनाए। कलौंजी के बारे में लिखा हुआ है, सो हर एक रिलीजन में हर एक बुक्स में जो है लिखा हुआ रहता है कि कौन सी डिजीज से कैसा बचे, सो वो गाइज। और सो आई बिलोंग टू इस्लाम, एंड इन इस्लाम देर इज कलौंजी, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि द कलौंजी इज कलौंजी ब्लैक सीड इज द सीड विच प्रिवेंट ऑल द डिजीज विच आर गोइंग टू बी इन दिस प्लैनेट टिल द एंड ऑफ द डे टिल द जजमेंट डे, सो एक्सेप्ट डेथ। सो वो गाइज आप लोग यही मेरे को आप लोगों को एक मैसेज देना था अगर आप, और आई थिंक किसी को हेल्प हुई होंगी इसकी, एंड किसी को आप लोग शेयर करिए, आप लोगों के भी आजू बाजू जो भी रहेंगे ना उनको भी मदद मिलेगी इससे। सो वही कैसे अगर आप लोगों की वीडियो से दिखा दें प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोस व्हेनेवर आई एम इंक्लूडेड इन फ्यूचर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ मेरे एग्जाम्स आने वाले, प्लीज़ प्रे करो मेरे एग्जाम्स के लिए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ बोल के बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। सो जो जो भी एग्जाम्स लिख रहे हैं ना सबके लिए दुआ करिए, खास करके मेरे लिए करिए, बहुत बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला है। सो बाय।